अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई चैनल अकेडमी लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे जी हेड ऑफ अकाउंट्स रीअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। इससे पहले लेक्चर नंबर वन में मैंने दो चीज़ें डिस्कस कर ली थी, हेड ऑफ अकाउंट्स और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स से रिलेटेड और कुछ चीज़ें जो है वो रीअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स से रिलेटेड। तो ये लेक्चर हमारा सेकेंड है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक्स जो है ना वो डिस्कस करेंगे आज से रिलेटेड। तो चलते हैं आज की पहली वीडियो की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से लाइक करें और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर वन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स। चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक जो है वो फंड कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर ए हमारे पास कंसोलिडेटेड फंड, बी पब्लिक अकाउंट, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी बोथ एंड बी, कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट फंड। ये जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक ये फंड्स कहलाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड कंजिस्ट ऑफ ऑप्शन ए कैपिटल, बी रेवेन्यू, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज सी बोथ एंड बी, कैपिटल एंड रेवेन्यू आर कॉल्ड कंसोलिडेटेड फंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द टाइप्स ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। ऑप्शन ए प्रोविडेंट फंड, बी बेनेवोलेंट फंड, सी वेलफेयर फंड, डी इंश्योरेंस फंड, ई नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ई, यहाँ पे नन ऑफ अबव की बजाय यहाँ ऑल ऑफ अबव है, तो ये मिस्टेक जो है नन ऑफ अबव लिखा गया, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। दीज आर कॉल्ड पब्लिक अकाउंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंक्शन एलिमेंट। फंक्शन एलिमेंट्स की डिस्क्रिप्शन किस तरह है या किस तरह बयान की जाती है, इसमें कौन कौन से ऑप्शन शामिल होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास ए जनरल पब्लिक सर्विस, डी डिफेंस अफेयर्स, सी पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, डी इकोनॉमिक अफेयर्स, ई ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ई, जनरल पब्लिक सर्विस, डिफेंस अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर एंड सेफ्टी, इकोनॉमिक अफेयर्स अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ अकाउंट्स कहलाते हैं, ये फंक्शन कहलाते हैं। क्योंकि चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जो है पांच एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट होता है हमारे पास एंटिटी होता है, इसके बाद जो सेकंड फंक्शन होता है, सेकंड जो होता है वो फंक्शन होता है, थर्ड उसका ऑब्जेक्टिव होता है, और फोर्थ होता है फंड, और जो फिफ्थ होता है वो उसका प्रोजेक्ट होता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स के पांच एलिमेंट्स हैं, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का फंक्शन एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये जो है चार्ट ऑफ अकाउंट्स के एलिमेंट फंक्शन की में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिनको कहते हैं जनरल पब्लिक सर्विस, डिफेंस अफेयर्स, पब्लिक ऑर्डर, सेफ्टी, इकोनॉमिक अफेयर्स। दीज आर कॉल्ड फंक्शन एलिमेंट्स। वाई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान प्रिपेयर चार्ट ऑफ अकाउंट्स। ऑप्शन ए इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट, बी इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर, सी इट इज सोर्स ऑफ अर्निंग मैक्सिमम रेवेन्यू, डी नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ए, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का पर्पज है चार्ट ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का, ताकि एक्यूरेट और टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरल गवर्नमेंट हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स। ऑप्शन ए रेवेन्यू, बी कैपिटल, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज सी, रिसिप्ट में फेडरल गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट है, तो उसमें हमेशा दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, राइट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द मेन कैटेगरी ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं या उसके मेन कैटेगरी में कौन सी चीज़ें आती हैं। ऑप्शन ए मेरे पास टैक्स एंड नॉन टैक्स, बी गेन ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, सी गेन ऑन सेल्स ऑफ लैंड, डी नन ऑफ अबव। राइट आंसर इज टैक्स एंड नॉन टैक्स, दीज आर मेन कैटेगरीज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। ऑप्शन ए डिविडेंट, बी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट,
सी मार्कअप ऑन लैंड लोन एंड एडवांसेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट डी रेवेन्यू ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट्स ई ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज ई दीज आर ऑल थिंग्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट टैक्स में कौन सी चीजें शामिल होती हैं ऑप्शन ए हमारे पास इनकम टैक्स बी प्रॉपर्टी टैक्स सी कैपिटल गेंस टैक्स डी कैपिटल वैल्यू टैक्सेस ई ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज ई दीज आर ऑल टैक्स ऑफ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑप्शन ए कस्टम बी सेल्स टैक्स सी फेडरल एक्साइज ड्यूटी डी वैल्यू एड द टैक्स वेट और ई ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज ई दीज आर ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज द टाइप ऑफ नॉन टैक्सेस रेवेन्यू सर्विस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट अगर कोई पूछा जाए कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है तो ऐसी सर्विस जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और फिर उस पर टैक्स काटती है या इम्पोज करती है तो उसको कहते हैं नॉन टैक्सेस रेवेन्यू ठीक है ऐसी सर्विस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और उस पर जो टैक्स रिसीव करती है उनको कहते हैं नॉन टैक्सेस रेवेन्यू ऑप्शन ए हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लॉन्स बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज सी इलेक्ट्रिसिटी डी कम्युनिकेशन ई ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज ई दीज आर ऑल नॉन टैक्सेस रेवेन्यू रिसिप्ट्स ई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स ऑप्शन ए रिकवरीज ऑन इन्वेस्टमेंट्स बी रिकवरीज ऑफ लॉन्स एंड एडवांसेस सी डेट्स डी ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज डी दीज आर ऑल कैपिटल रिसिप्ट्स एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कॉल्ड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को जो फंड की एलोकेशन होती है उसको क्या कहा जाता है ठीक है तो ऑप्शन ए हमारे पास अप्रोप्रिएशन बी रीअप्रोप्रिएशन सी सप्लीमेंट ग्रांट्स डी नन ऑफ अबव द राइट आंसर इज ए ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन टू अनदर यूनिट्स कॉल्ड ऑप्शन ए अप्रोप्रिएशन बी रीअप्रोप्रिएशन सी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स डी नन ऑफ अबव द राइट आंसर इज रीअप्रोप्रिएशन जब एक फंड एक यूनिट से दूसरे यूनिट में फंड को ट्रांसफर किया जाता है तो इसको कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन इज पॉसिबल ऑप्शन ए बिफोर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर बी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर ओनली डी नन ऑफ अबव द राइट आंसर इज ए बिफोर एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर रीअप्रोप्रिएशन इज पॉसिबल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ए फ्रॉम ए वोटेड आइटम टू अनदर वोटेड आइटम विद इन वन ग्रांट बी बिटवीन ऑपरेटिंग यूनिट्स सी फ्रॉम अ वोटेड आइटम टू अनदर वोटेड आइटम विद इन वन ग्रांट टू अनदर डी फ्रॉम वन चार्ज आइटम टू अनदर चार्ज आइटम ई फ्रॉम अ चार्ज आइटम टू अ वोटेड आइटम एफ ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज एफ ऑल ऑफ अबव रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स में ये तमाम चीजें जो हैं शामिल होती हैं रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो सकती है एक वोटेड आइटम से दूसरे वोटेड आइटम में एक ग्रांट में ठीक है लेकिन इसकी अथॉरिटी जो है वो डिफरेंट किस्म के इसमें हम अथॉरिटी भी डिस्कस करेंगे कौन सी अथॉरिटी जो कि वोटेड आइटम से एन अदर वोटेड आइटम जो है फंड को रीअप्रोप्रिएशन कर सकती है इसी तरह ऑपरेटिंग यूनिट्स के दरमियान रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो सकती है इसकी भी अथॉरिटी है कि इसके अप्रूवल किस अथॉरिटी ने देनी है इसी तरह फिर हम वोटेड आइटम टू एन अदर वोटेड आइटम विद इन वन ग्रांट टू एन अदर ये भी रीअप्रोप्रिएशन फंड इसमें भी हो सकती है लेकिन इसकी अप्रूवल की अथॉरिटी और कोई होती है ठीक है फिर हम वन चार्ज आइटम टू एन अदर चार्ज आइटम फिर हमें चार्ज आइटम टू है वोटेड आइटम ऑफ दीज आर ऑप्शन इन विच वी कैन रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स ऑप्शन ए विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शन रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम ए वोटेड आइटम टू अनदर वोटेड आइटम विद इन ग्रांट के विद इन ग्रांट में एक वोटेड आइटम से दूसरे वोटेड आइटम में कौन रीअप्रोप्रिएशन ऑफ कर सकता है उसकी अथॉरिटी कौन है तो ऑप्शन ए हमारे पास फाइनेंस डिविजन बी हमारे पास है मिनिस्टर्स सी ऑडिटर डी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ई नन ऑफ अबव द राइट आंसर इज ए फाइनेंस डिवीजन की अथॉरिटी है कि वन
वोटेड आइटम को दूसरे वोटेड आइटम में जो है रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर ले एक ही ग्रांट में, ठीक है। तो ये इसकी अथॉरिटी है फाइनेंस डिवीजन की। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शन रीअप्रोप्रिएशन बिटवीन ऑपरेटिंग यूनिट्स, ऑपरेटिंग यूनिट्स के दरमियान रीअप्रोप्रिएशन फंड को सैंक्शन करने की अथॉरिटी कौन है? ऑप्शन ए हमारे पास फाइनेंस डिवीजन, बी मिनिस्टर्स, सी ऑडिटर, डी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ई नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज बी। बिटवीन ऑपरेटिंग यूनिट्स रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड सैंक्शन अथॉरिटी इज ओनली विद मिनिस्टर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी सैंक्शन रीअप्रोप्रिएशन फ्रॉम ए वोटेड आइटम टू अनदर वोटेड आइटम विद इन वन ग्रांट टू अनदर, ठीक है। एक ग्रांट से दूसरे ग्रांट में एक वोटेड आइटम को दूसरे वोटेड आइटम रीअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट करने की जो अथॉरिटी है वो किसके पास है? ऑप्शन ए हमारे पास फाइनेंस डिवीजन, बी मिनिस्टर्स, सी पार्लियामेंट, डी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ई नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास सी, पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो एक वोटेड आइटम को दूसरे वोटेड अकाउंट वोटेड आइटम रीअप्रोप्रिएशन अकाउंट कर ले एक ग्रांट से दूसरी ग्रांट में। तो इसकी सिर्फ सिर्फ अथॉरिटी या पावर्स जो है वो इसके पार्लियामेंट के पास है। ऑप्शन है टू विच अथॉरिटी कॉपी ऑफ सैंक्शन ऑर्डर ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड शुड इंडोर्स, के अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की जो कॉपी है सैंक्शन होने की सैंक्शन ऑर्डर की वो किसको इंडोर्स करनी चाहिए? ऑप्शन है हमारे पास चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, बी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सी एस ई सी पी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डी नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ए चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। जब भी बजट सैंक्शन होगा तो उसकी कॉपी चीफ अकाउंट ऑफिसर को इंडोर्स होती है। एप्लीकेशन फॉर एडिशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स शुड ऑर्डरली सपोर्टेड बाय, के एडिशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के लिए अगर कोई एप्लीकेशन दी जाती है तो उसके साथ क्या सपोर्ट्स में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए? तो ऑप्शन ए हमारे पास फ्राम जी फॉर्म जी एफ आर 11 जनरल फाइनेंशियल रूल्स, जी एफ आर से है जी एफ आर स्टैंड फॉर जनरल फाइनेंशियल रूल्स के फॉर्म चाहे जी एफ आर 11 होना चाहिए साथ, बी फॉर्म जी एफ आर 12, फॉर्म जी एफ आर 20, डी फॉर्म जी एफ आर 15। द राइट आंसर इज ए फॉर्म जी एफ आर। जब भी एडिशनल अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स के लिए अगर एप्लीकेशन देनी है तो उसके साथ जो है डॉक्यूमेंट्स जो है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्म जी एफ आर 11 के मुताबिक उसके साथ अटैच होने चाहिए या इंक्लोज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एडिशनल फंड्स दैट प्रोवाइडेड टू एनी हेड ऑफ एक्सपेंडिचर देन अलॉटेड फंड्स कॉल्ड, ऑप्शन ए सप्लीमेंट्री ग्रांट, बी गिफ्ट, सी डोनेशन, डी नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज सप्लीमेंट्री ग्रांट, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन फोर्स फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट, ऑप्शन ए एन अनफॉर्सिन एमरजेंसी, बी अंडर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज हमारे पास सी, सी इज राइट आंसर है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की हमें क्यों जरूरत पड़ती है? अनफोर्सीन रीजन की वजह से और अंडर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर के बाजू का ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं कि उनकी एस्टिमेशन नहीं हो सकती, तो इसलिए जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट डिमांड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर प्रोसीड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट, ऑप्शन ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर, बी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, सी एस ई सी पी, डी नंबर नन ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए जो है किसी भी मैंने फाइनेंस डिवीजन को अप्रोच करना चाहिए, इससे कम किसी को भी फाइनेंस डिवीजन को अप्रोच करने फंड्स के लिए अप्रोच करने की जो है वो इजाज़त नहीं है। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रोविजन ऑफ आर्टिकल्स अप्लाई ऑन सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ऑप्शन ए 82-83, बी 90, सी 70-73, डी ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर इज ए 82-83, ऑल द आर्टिकल्स रिलेटेड टू सप्लीमेंट्री ग्रांट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। विच गवर्नमेंट हैज पावर टू ऑथोराइज सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ऑप्शन ए फेडरल गवर्नमेंट, बी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सी लोकल गवर्नमेंट्स, डी ऑल ऑफ अबव। द राइट आंसर इज ए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पावर ओनली लाई विद द फेडरल गवर्नमेंट ओनली। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आर प्रेजेंटेड फॉर अप्रूवल टू, ऑप्शन ए नेशनल असेंबली, बी सेनेट,
सी कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान डी ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज ए नेशनल असेंबली ओनली अप्रूवल अथॉरिटी फॉर सप्लीमेंट ग्रांट्स इज नेशनल असेंबली ऑल एप्लीकेशंस फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स नॉर्मली बी सबमिटेड टू ऑप्शन ए गवर्नमेंट बी एस ई सी पी सी कंट्रोलर जनरल ऑफ पाकिस्तान डी ऑल ऑफ अबव द राइट आंसर इज ए गवर्नमेंट तमाम किस्म की सप्लीमेंट ग्रांट जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो नॉर्मली गवर्नमेंट को सबमिट की जाती हैं ऑप्शन ए इन विच ऑफ द मंथ नॉर्मली एप्लीकेशन फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आर सबमिटेड ऑप्शन ए नवंबर बी जून सी दिसंबर डी अक्टूबर राइट आंसर इज ए नवंबर के मंथ में आमतौर पर सप्लीमेंट ग्रांट्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अथॉरिटी शैल रिव्यू एप्लीकेशंस फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ऑप्शन ए फाइनेंस डिवीजन बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सी अडर डिवीजन डी नन ऑफ अबव द राइट आंसर इज ए फाइनेंस डिवीजन इन केस ऑफ एक्सपेंडिचर्स अबाउट विच नो प्रोविजन एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल बजट बट सच एक्सपेंडिचर्स आर नेसेसरी विच डिपार्टमेंट शैल गिव एक्सप्लेनेशन ऐसे एक्सपेंडिचर जिनके मुतलिक कोई प्रोविजन ओरिजिनली लाई नहीं करती लेकिन ऐसे एक्सपेंडिचर ज़रूरी है तो इस किस्म के लिए अगर कोई वजाहत तलब की जाती है तो ये वजाहत को हम दे सकता है तो ऑप्शन ए हमारे पास फाइनेंस डिवीजन बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सी अडर डिवीजन डी नन ऑफ अबव द राइट आंसर इज बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन शैल प्रोवाइड रीजन अबाउट द एक्सपेंडिचर के वाई दीज एक्सपेंडिचर आर नेसेसरी This is end of video. Thanks for watching. God bless to all. For any query, you can comments. Allah Hafiz.